मुदमंगलमय संत समाज, सम्मानित श्रोता बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवी, अनेक बार गुरुदेव जी के साथ आपके बीच आने का अवसर पड़ा था। आज पहली बार ऐसा अवसर आया कि जब हम लोग गुरुदेव जी की शारीरिक अनुपस्थिति में ज्ञान चर्चा करने और सुनने के लिए बैठे हुए हैं। अब भौतिक शरीर से गुरुदेव जी से हमारी कभी मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन उनका जो ज्ञान है, उनका जो जीवन दर्शन है, उनका जो आदर्श है, वो सब समय हमारे साथ है। यदि हम उन्हें याद करते हैं और आचरण करते हैं तो, कोई भी महापुरुष हो, यदि शारीरिक रूप से हम उनके साथ हैं लेकिन उनका जो ज्ञान है, उनका जो उपदेश है, उनका जो जीवन का आदर्श है, उसे नहीं अपनाते हैं, जीवन में धारण नहीं करते हैं, तो साथ रहते हुए भी हम उनसे बहुत दूर हैं। और यदि उनका उपदेश, उनका आदर्श, उनकी शिक्षा, उनका ज्ञान हम यथाशक्ति अपने जीवन में धारण करने का, आचरण करने का प्रयास करते हैं, तो दूर रहकर भी उनके निकट हैं। हम मानसिक रूप से पूर्व में जितने महापुरुष हुए हैं, राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, ईसा, मोहम्मद हो, कबीर हो, तुलसी हो, दयानंद, विवेकानंद हो, उनके निकट रह सकते हैं उनकी शिक्षाओं पर चलकर। उनका नाम जपते रहें, उनके नामों का कीर्तन करते रहें और उनकी शिक्षाओं पर हमारा ध्यान न हो, तो हमारा सब कुछ दिखावा है। हम दिखावा भक्ति के आदती बन गए हैं, हमारी भक्ति दिखावटी होती है। किसी महापुरुष के नाम का जप करते हैं, उनके चित्र की पूजा करते हैं, उनकी मूर्ति बनाकर के पूजा करते हैं, लेकिन उन्होंने जो जीवन आदर्श दिखलाया उस पर चलने का प्रयास नहीं करते। कोई भी महा व्यक्ति महान हुआ है तो तप करके हुआ है, त्याग करके हुआ है, उस आदर्शों को अपना करके हुआ है। दुनिया में तो अनेक राजा महाराजा हुए हैं, कितनों के नाम आप याद करते हैं, कितनों के नाम आप जपते हैं। इतिहास में कुछ राजा महाराजाओं के नाम हम पढ़ लेते हैं बस, लेकिन इतिहास में जिन राजा महाराजाओं और बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों का नाम हम पढ़ते हैं, उनके जीवन से हमें कोई आदर्श नहीं मिलता, कोई प्रेरणा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वे जिंदगी भर लूटते, फूंकते, मारते रहे, हिंसा हत्या करते रहे। जो जितना बड़ा महाराजा उतना बड़ा हत्यारा, जितना बड़ा महाराजा धीराज उतना बड़ा डाकू। सारा इतिहास हमारा हत्यारों और डाकुओं का इतिहास है। क्या किया है राजा महाराजाओं ने? निरपराध जनता को तबाह करने के अलावा कुछ और किया? मैं ये कह रहा था अनेक राजा महाराजा दुनिया में हुए, कौन सा आदर्श? लेकिन राम और कृष्ण, बुद्ध और महावीर, उनकी याद आते ही हमारा हृदय श्रद्धा से भर जाता है, सिर झुक जाता है। क्यों? यदि राम अयोध्या की गद्दी पर बैठ गए होते तो कोई जानता भी नहीं है कि राम नाम का व्यक्ति, राम नाम का राजा
अयोध्या में हुआ है। लेकिन राम राज्य त्याग कर जब जंगल गए और जीवन को तपाया, तमाम प्रतिकूलताओं को सहन किया, कठिनाइयों से घबराए नहीं, सदैव सत्य के पथ पर चलते रहे। महाराज राम ने अपने पूरे जीवन को तपाया, परिणाम करोड़ों करोड़ों लोगों के हृदय मंदिर के देवता बन गए। अयोध्या गद्दी पर बैठ करके संभव था या? कभी संभव नहीं था, हम जानते भी नहीं। बुद्ध और महावीर राजकुमार थे, वे भी राज्य का त्याग करके जंगल न गए होते, जीवन को तपाया न होता, तो कौन जानता, कौन आदर होता। ऐसे और आप अनेक नाम ले लें। यदि तुलनात्मक दृष्टि से हम देखें, भौतिकी दृष्टि से, तो राम और रावण दोनों में हर बात में रावण राम से ज्यादा ठहरते हैं। राम तो अभी मात्र राजकुमार है, गद्दी नहीं हुई है, और रावण लंका का राजा। राम को कोई बहुत अभी लोग जानते भी नहीं है, वनवासी हैं, वनवास में रह रहे हैं, और रावण पूरी दुनिया में रावण की तूती बोलती थी। इंद्रलोक, कुबेर लोक, गंधर्व लोक सब पर रावण ने विजय प्राप्त कर ली थी। राम वनवासी हैं, कौन सी संपत्ति उनके पास है, लेकिन रावण की नगरी सोने की लंका, अपार संपत्ति, चारों वेदों का प्रकांड पंडित रावण, वेद विद्या व्रत अस्नातः, वाल्मीकि रामायण में रावण के लिए कहा गया है, वेद विद्या में निपुण। आपको मालूम भी होगा, जिन लोगों ने वाल्मीकि रामायण पढ़ा है, वाल्मीकि रामायण में रावण के लिए अनेक बार महात्मन शब्द का प्रयोग किया गया है, अनेक बार। वीरता में देखें तो रावण जैसा वीर उस समय कोई नहीं था। हार क्यों हुई, अनेक कारण है। वाल्मीकि रामायण में ही प्रसंग आता है जब विश्वामित्र राजा दशरथ के पास राम और लक्ष्मण को मांगने गए हैं कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ, राक्षस उसमें विघ्न करते हैं, और नियम यह है कि यज्ञकर्ता को क्रोध नहीं करना चाहिए, यदि यज्ञकर्ता क्रोध करता है तो यज्ञ पूरा नहीं होता, उसका फल नहीं मिलता, इसलिए मैं यज्ञ करूँगा, आप राम और लक्ष्मण को मुझे दे दें, वे यज्ञ की रक्षा करेंगे। राजा दशरथ कहते हैं, महर्षि राम तो अभी 16 साल से कम उम्र के हैं, वे यज्ञ की रक्षा क्या करेंगे, आप मुझे आज्ञा दें, मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूँगा, और मैं देखता हूँ कि कौन मेरे सामने आता है, जो सामने आ गया मैं उसे मैं सबको परास्त कर दूँगा। हाँ, लेकिन कहीं रावण आ गया तब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। दशरथ ऐसा कहते हैं। तो भौतिकी दृष्टि से देखें तो रावण राम से हर बात में आगे हैं, लेकिन एक बात में रावण पिछड़ जाते हैं, वो क्या है, चरित्र की दृष्टि से। राम का पूरा जीवन नैतिकता से पूर्ण, चरित्र से पूर्ण, और रावण के जीवन में यही कमी है। इसलिए अन्य अनेक गुणों से संपन्न होने के बाद भी चरित्र की कमी होने के कारण रावण बदनाम हो गया।
इसी के में मारा भी गया और ऐसा बदनाम हुआ रावण, रावण तो मारा ही गया, ऐसा बदनाम हुआ कि आज भारत में कोई भी माता पिता अपने बेटे का नाम रावण रखना पसंद नहीं करता है। अपना तो जीवन बर्बाद किया ही, रावण अपने पीछे अपने नाम को भी बर्बाद कर गया। लेकिन महाराज राम का आदर्श कितना उत्तम है, गांव-गांव में आपको मिल जाएंगे राम नाम के व्यक्ति। मैं ये कह रहा था, राजा महाराजा तो अनेक हुए हैं, कितनों के नाम हमें याद हैं, और कितनों के जब नाम की याद होती है तो क्या उनके प्रति मन में जरा भी श्रद्धा भक्ति की भावना होती है? कुछ नहीं। लेकिन राम के नाम याद होते, कृष्ण के नाम आने पर, बुद्ध महावीर के नाम आने पर, कबीर तुलसी के, दयानंद विवेकानंद के नाम के याद आने पर क्या होता है? राम और कृष्ण, बुद्ध और महावीर तो राजा के बेटे थे, लेकिन कबीर और तुलसी ये किस कौन राजा के बेटे थे? अत्यंत गरीब घर में जन्म और पालन पोषण, लेकिन अपने जीवन की त्याग तप संतत्व के कारण कितने महान हो गए। तो यदि हम पूर्व में जो महापुरुष हुए हैं उनके जीवन के आदर्शों को अपनाते हैं तो आज भी हम उनके निकट हैं, उनसे दूर नहीं है। और उनके जीवन के आदर्शों को अपना करके ही हम उनके अनुगामी कहला सकते हैं। सद्गुरु कबीर तो यह कहते हैं, नीर शीर का करे निबेरा, कहीं कबीर सोई जन मेरा। कबीर साहब ये नहीं कहते कि जो अपने को कबीरपंथी कहता है वो मेरा अनुगामी है। वे कहते हैं, जो व्यक्ति नीर और क्षीर का निवेरा करता है, सार और असार की परख करता है, और परख करने के बाद असार को छोड़ करके सार को ग्रहण करता है, वह मेरा अनुगामी है। हमारा कर्तव्य क्या है? असार की अस्वीकृति, सार की स्वीकृति। अस्वीकृति का अर्थ जीवन में आचरण। जान लेना पर्याप्त नहीं है कि यह गलत है और यह सही है, यह करने योग्य है यह नहीं करने योग्य है, इतना जान लिए तो जानना हमारा काम नहीं आएगा। जानना तब काम आएगा जब गलत को गलत जान करके छोड़ दें और सही को सही जान करके अपना लें। महाभारत में दुर्योधन ने क्या कहा है, जानाम्य धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। धर्म को जानता हूँ, सत्य को जानता हूँ, लेकिन उसका आचरण नहीं कर पाता। अधर्म को जानता हूँ लेकिन उसका त्याग नहीं कर पाता। तो क्या ऐसा जानना काम आएगा? हम लोग कम नहीं जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जान करके आचरण नहीं कर पाते। हमें करना क्या है? बुद्धि हमारी कितनी है, कैसी है, ये महत्व की बात नहीं है। बुद्धि शुद्ध है या अशुद्ध है, यह महत्व की बात है। बुद्धि सुबुद्धि है या कुबुद्धि है, यह महत्व की बात है। और बुद्धि तो हर आदमी के पास कम ज्यादा है। हमें करना क्या है? एक ही काम करना है, जितना गलत जानते हैं उतने का त्याग करते चले, जितना सही जानते हैं उतने का ग्रहण आचरण करते चले, और यही सच्चा धर्म है। आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, ईसाई हैं कि यहूदी हैं, कि बौद्ध हैं कि जैन हैं, रामोपासक हैं कि शवोपासक हैं, कि कैरपंथी हैं कि आर्य समाजी हैं, ये कोई
बड़े मूल्य की बात नहीं है, मान्यता आपका विश्वास है, सिद्धांत है, विचार अलग अलग हैं, संस्कार अलग अलग हैं। दुनिया में कभी भी एक मत नहीं हो सकता है। आज जैसे अनेक मत हैं, अनेक संप्रदाय हैं, मजहब हैं, ऐसे ही सब समय रहा है, सब समय रहेगा। हम आज जी रहे हैं वर्तमान में, तो हमें ये लगता है कि दुनिया में जो नाना संप्रदाय हैं, इसलिए धर्म के नाम पर बहुत झगड़े हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पूरा काल में भी अनेक संप्रदाय थे, क्योंकि सब समय आदमी है, और आदमी के विचारों में, मान्यताओं में, संस्कारों में, रुचियों में एकरूपता कहाँ होगी? विषमता रहेगी, अंतर रहेगा। आज से हजारों साल पहले अथर्ववेद में, अथर्वा ऋषि कहते हैं, अथर्ववेद में एक पुरुष सूक्त में पृथ्वी सूक्त है, जिसमें पृथ्वी माता की वंदना की गई है। अनेक मंत्र हैं उसमें, उसी में का एक मंत्र है पृथ्वी की वंदना करते हुए। अथर्वा ऋषि कहते हैं, जन्म बिभर्ति बौधा विवाचितम नाना धर्मानम पृथ्वी यथोक्षम। हे पृथ्वी माता, तुम जन्म पैदा होने वाले विभर्ति धारण करती हो, तुम अपने पर पैदा होने वाले उन लोगों को धारण करती हो, कौन लोगों को? बहुधा विवाचसम, नाना भाषाओं के बोलने वाले। आज ही नाना भाषा नहीं है, अथर्ववेद का ये मंत्र जब बना उस समय भी नाना भाषाएं प्रचलित थी। बहुधा विवाचसम, नाना भाषा बोलने वाले, और नाना धर्मानम, नाना धर्मों को मानने वाले। या नाना धर्म का मतलब नाना संप्रदाय। पूरा काल से ही संप्रदायों को धर्म कहने की परिपाटी रही है। आज हम कह देते हैं हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब धर्म नहीं है, एक समाज है, संप्रदाय है, मत है, मजहब है। धर्म कभी नाना होता ही नहीं है, धर्म सदैव एक होता है। जिसे कोई माने और कोई न माने, वह मजहब, और जिसे सबको मानना पड़े, जिसे न मानकर, जिसे छोड़ करके जीवन में शांति नहीं आ सकती, सुख नहीं मिल सकता, जिसे मान करके ही जीवन में पूर्णता होती है, जिसे मान करके हम जीवन को शांति सुख से जी सकते हैं, वह है धर्म। कुछ कर्मकांड होते हैं, हिंदुओं का अपना एक कर्मकांड है। हिंदुओं में कोई राम की पूजा करता है, कोई कृष्ण की पूजा करता है, कोई शिव की पूजा करता है, कोई हनुमान की पूजा करता है, कोई गणेश की पूजा करता है, कोई देवी की पूजा करता है, कोई सुबह गंगा नहाता है, कोई किसी मंत्र का जप करता है, कोई किसी मंत्र का जप करता है। हिंदुओं में कहाँ एकरूपता है? हिंदुओं में तो अनेक रूपता, मुसलमानों में भी एकरूपता देखी जा सकती है। जितने भी मुसलमान हो, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, सब नमाज पढ़ेंगे, सब के सब हजरत मोहम्मद और कुरान शरीफ पर एक समान विश्वास रखेंगे। सुन्नी है तो हजरत मोहम्मद को नहीं मानते, शिया तो मानते हैं, ऐसा तो है नहीं। सुन्नी नमाज पढ़ते, शिया नमाज नहीं पढ़ते, ऐसा तो नहीं है। वहाँ तो एकरूपता है। ईसाइयों में भी एकरूपता देखी जा सकती है, सबका ईसा मसीह और बाइबिल पर विश्वास। लेकिन हिंदुओं में कोई नहीं कह सकता है कि हाँ एकरूपता है। कोई वेद को मानता है, कोई नहीं मानता, कोई पूजा करता है, कोई नहीं करता, कोई मंदिर जाता है, कोई नहीं जाता, कोई अवतारवादी है तो कोई अवतारवाद को मानता ही नहीं है, कोई साकार की उपासना करता है तो कोई निराकार की उपासना करता है, कोई मूर्ति पूजक है तो कोई मूर्ति पूजक का भयंकर विरोधी है। कहाँ एकरूपता है? तो ये
ये सब क्या है? एक कर्मकांड है, विश्वास की चीज है, मान्यता है, ये धर्म नहीं है। धर्म के बाहरी अंग है। किसी महापुरुष की पूजा करके, मंदिर में जाकर किसी मंत्र का जप करके मन में सात्विक भावना आती है, मन में प्रसन्नता होती है, संस्कार अच्छे बनते हैं, समय का सदुपयोग होता है। एक आदमी ने एक बार कहा कि साहब, मैं देखता हूँ कितने लोग हैं, रोज मंदिर जाते हैं, आधा घंटा पूजा करते हैं, कितने लोग रोज गंगा नहाने जाते हैं, क्या होता है इससे? मंदिर जाकर मूर्ति पूजा करें, गंगा नहाने से सब बेकार है। मैं, ठीक है, आपकी दृष्टि से नहीं है, लेकिन ये बताओ, एक आदमी या दो चार आदमी चौराहे पर बैठकर या चौपाल पर बैठकर के ताश खेल रहे हैं, दो चार आदमी कहीं चौराहे पर चबूतरे पर बैठकर के गपशप कर रहे हों, निंदा बुराई कर रहे हों, वह अच्छा है या आदमी मंदिर में जाकर पूजा कर रहा है वह अच्छा है? कम से कम उन लोगों से तो वह आदमी जो मूर्ति पूजा कर रहा, मंदिर में जाकर पूजा कर रहा है, हजार गुना अच्छा है जो लोग ताश खेल रहे हैं उनके अपेक्षा। जो लोग प्रपंच में निंदा बुराई कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, कला कल्पना कर रहे हैं, उनके अपेक्षा तो कितना उनका जीवन सुंदर है, इनसे तो बचा हुआ है ना, उस दृष्टि से क्यों नहीं देखते? ठीक है, आपकी दृष्टि से वो मूर्ति पूजा गलत हो सकती है, लेकिन उस दृष्टि से देखो तो पहले ये सोचो, आप अपने समय का उपयोग कैसे करते हो? यदि आप अपने समय का उपयोग स्वाध्याय में करते हैं, ध्यान चिंतन में करते हैं, साधना में करते हैं, समाज सेवा में करते हैं, लोक कल्याणकारी कामों में करते हैं, तो ठीक है, आप पूजा नहीं करते तो भी बढ़िया आदमी है आप। लेकिन आप मंदिर में जाकर पूजा तो नहीं करते, कहीं एक जगह बैठ करके किसी माला का जप नहीं करते, मंत्र का जप नहीं करते, बल्कि प्रपंच करते हैं, राग द्वेष की बात करते हैं, तो आपका जीवन तो बेकार चला गया। माला फेरने वाला कम से कम प्रपंच तो नहीं कर रहा है, संस्कार को खराब तो नहीं कर रहा है, आप तो राग द्वेष की बात करके संस्कार को खराब कर रहे हैं। तो सबकी मान्यता अलग अलग है। हम किसी की मान्यता को लेकर के उसे गलत नहीं कह सकते, लेकिन गड़बड़ी वहां होती है जब आदमी बाहरी कर्मकांडों में ही उलझ जाता है, वहीं रुक जाता है। कोई भी मत हो, कोई भी मजहब हो, सभी मत मजहबों में जो बाहरी कर्मकांड चलाए गए हैं, एक नियम दिया गया है, पूजा का, पाठ का, हवन का, तर्पण का, नमाज का, प्रार्थना का, उनका उद्देश्य क्या है? प्रपंच से हटकर अपने मन को अंतर्मुख करना, अपने इष्ट की याद करना, मन की निर्मलता, मन की कोमलता। कभी भी आप अपने इष्ट की याद करें, मन की कठोरता दूर होगी। इष्ट की याद करें, मन का अहंकार दूर होगा। लेकिन वर्षों बीत गए, पूजा करते, प्रार्थना करते, संध्या करते, वंदन करते, हवन करते, तर्पण करते, नमाज पढ़ते, मन वैसा का वैसा मलिन बना हुआ है। वही कुसंस्कार मन में है, वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह, वही राग द्वेष, वही छल कपट, वही हिंसा हत्या क्रूरता कठोरता। तो पूजा कहाँ हो रही है? भक्ति कहाँ हो रही है? धर्म को हमने समझा कहाँ है? सब कुछ यांत्रिक चल रहा है, भटक गए हम धर्म के नाम पर। इसीलिए समय समय से महापुरुष आकर के झकझोरते हैं हम लोगों को, कहाँ तुम जड़ बन गए हो। हम लोग एकदम जड़ बन जाते हैं, पकड़ लिए पकड़ लिए, इसके आगे भी कुछ और है सोचने का समझने का प्रयास नहीं करते। मैं कह रहा था
कि कुछ मान्यताएं होती है, कुछ संस्कार होते हैं, कुछ कर्मकांड होते हैं, और ये सबके अलग अलग होते हैं, सब स्वीकार नहीं कर सकता। मंदिर जाना हिंदुओं में सब नहीं करते, कुछ कुछ लोग जाते हैं, गैर हिंदू मुसलमान तो कभी मंदिर जा ही नहीं सकते, वे मस्जिद जाएंगे, हिंदू मस्जिद नहीं जाएगा, ईसाई न मंदिर जाएगा न मस्जिद जाएगा, वो गिरजा जाएगा, लेकिन एक बौद्ध एक आर्य समाजी इनमें कहीं नहीं जाएगा। मंदिर जाने वाले को वहां जाकर प्रसन्नता हो सकती है, मस्जिद जाने वाले को वहां जाकर प्रसन्नता हो सकती है, ईसाई को गिरजा में जाकर प्रसन्नता हो सकती है, वो उनके विचार है। तो मंदिर की आवश्यकता कुछ लोगों के लिए, मस्जिद की आवश्यकता कुछ लोगों के लिए, गिरजा की आवश्यकता कुछ लोगों के लिए, नमाज की आवश्यकता कुछ लोगों के लिए, पूजा प्रार्थना की आवश्यकता कुछ लोगों के लिए, लेकिन लेकिन दया की आवश्यकता, क्षमा की आवश्यकता, सहनशीलता की आवश्यकता, अपने मन को मारने की आवश्यकता, प्रेम की आवश्यकता, संयम की आवश्यकता, क्या ये कुछ लोगों के लिए है या मानव मात्र के लिए है? दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, सेवा, सहनशीलता, संयम, इनकी आवश्यकता मानव मात्र के लिए है और सब समय रही है, सब समय रहेगी। इनके बिना कोई भी आदमी सुख शांति से जीवन जी नहीं सकता है, और यही धर्म है। धर्म क्या है? जिसको अपनाने से हमारे भीतर शांति आती हो। अधर्म क्या है? जिसका आचरण करने से, ग्रहण करने से हमारे भीतर अशांति आती हो। जैसे एक मोटा उदाहरण ले ले, किसी की प्रतिकूलता देखकर, किसी का कोई गलत काम देखकर, किसी का गलत व्यवहार देखकर, किसी से अपमान पाकर मेरे मन में क्रोध आ गया, तो परिणाम क्या होगा? मेरा मन जलेगा, अशांत होगा। और मेरा ही मन नहीं, जिसके भी मन में क्रोध आएगा, जब आएगा, जिस कारण से आएगा, उसका मन अशांत होगा। हिंदू को क्रोध आएगा तो हिंदू का मन अशांत होगा, और मुसलमान के मन में क्रोध आएगा तो मुसलमान को बड़ी शांति मिलेगी, ऐसा तो है नहीं। आज हम क्रोध करते हैं तो हमारा मन जलता है, लेकिन आज से 10,000 साल पहले आदमी जब क्रोध करता था तो उनका मन एकदम शांत शीतल हो जाता था, ऐसा तो है नहीं। या 10,000 साल बाद आदमी जब क्रोध करेगा तब उसका मन एकदम बर्फ के समान शीतल हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। 10,000 साल नहीं, 10,00,000 साल पहले आदमी क्रोध करता रहा होगा तो उसका मन अशांत और पीड़ित होता रहा होगा, उद्विग्न होता रहा होगा। आज हम क्रोध करते हैं, हमारा मन उद्विग्न होता है, अशांत होता है, पीड़ित होता है, और 10,00,000 साल बाद आदमी क्रोध करेगा तो उसका मन अशांत, पीड़ित, उद्विग्न होगा। इसलिए क्रोध अधर्म है। लेकिन किसी से उल्टा सीधा व्यवहार पाकर, अपमान पाकर, निंदा पाकर के मैंने सहन कर लिया, अपने मन को मार लिया, उसे क्षमा कर दिया, तो मेरे मन में शांति आएगी, मुझे सुख मिलेगा। किसी के दुख को देखकर मेरा मन द्रवित हो गया, किसी पर मैंने दया की, करुणा की, सेवा किया, तो मुझे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी। और जो आदमी ऐसा करेगा, चाहे आज का आदमी हो, पहले का आदमी हो, किसी मत का मानने आदमी हो, उसे प्रसन्नता मिलेगी। इसलिए क्षमा, गम, सहनशीलता, दया, करुणा का व्यवहार यह धर्म है। हम इस धर्म को भूल गए हैं और धर्म के नाम पर कर्मकांडों में उलझ गए हैं। बहुत भटक गए हैं। मैंने कहा था कि कर्मकांडों का अपना एक मूल्य है, केवल कुछ देर के लिए मन को दुनियादारी से हटाने का। एक पूर्व पिता से सुन रहे थे, हम गलत काम करके उसके फल से कभी बच नहीं सकते हैं,
गलत काम करते हैं तो आज भयभीत दुखी रहेंगे, आगे भी भयभीत दुखी रहेंगे। अच्छा काम करते हैं आज सुखी संतुष्ट रहेंगे, आगे भी हमें अच्छा फल मिलेगा। लेकिन हम ये चाहें कि आज हम गलत काम करें और किसी का नाम जप लें, चाहे जिसका नाम आप ले लें, आपकी भावना है। हम कबीर अनुयायी हैं, हम चाहे कबीर का नाम जपें या सतनाम जपें, लेकिन गलत काम करके हम सतनाम जपते हैं, कबीर का नाम जपते हैं, तो हमारा पाप कभी कटने वाला है नहीं। एक मोटे उदाहरण से आप समझ सकते हैं, बहुत स्थूल उदाहरण से। आप इनमें से अधिकतम लोग जो बैठे हैं किसान हैं, जो किसान नहीं हुए हैं वे भी जानते हैं किसानी के बारे में थोड़ा बहुत। ये किसान अपने खेत में अषाढ़ महीने में बाजरा का बीज डालता है। अब बाजरा का बीज डाल करके निश्चिंत हो जाता है, क्या उस किसान को बाजरा के बीज डालने के बाद किसी भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, किसी भगवान की विनय वंदना करनी पड़ेगी, किसी मंत्र का जप करना पड़ेगा कि हे भगवान, मैंने अपने खेत में बाजरा के बीज डाला है, आप कुंवार में मेरे खेत में बाजरा की फसल पैदा करना, बाजरा के बीज डाल दिया है, पूजा करे तो, न करे तो बाजरा की फसल तैयार होगी। लेकिन यदि कोई किसान अपने खेत में बाजरा का बीज डालता है और बाजरा का बीज डालने के पश्चात रोज जाकर के पूजा करता है, प्रार्थना करता है, मंत्र जप करता है और बहुत कुछ करता है और कहता है हे भगवान, मैंने खेत में बाजरा के बीज डाल दिया है, ऐसी कृपा करना कि कुंवार में मेरे खेत में धान की फसल तैयार हो जाए, है संभव? कभी संभव नहीं है, कोई ऐसा करता भी नहीं है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में जाकर के हम बहक जाते हैं, स्वार्थ में पड़कर, प्रलोभन में पड़कर, वासनाओं के प्रवाह में पड़कर, इंद्रिय लंपटता में पड़कर हम अपने को संभाल नहीं पाते, अनेक प्रकार के उल्टा सीधा काम कर बैठते हैं। लेकिन आदमी के पास विवेक है, उसका अंतकरण गवाही देता है। जब अकेले में वो आदमी बैठता है तो अंतकरण कचोटता है, ये काम तो तुमने किया जरूर लेकिन ये काम गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तब घबराता है, अरे मैंने गलत किया, इसका फल मुझे भोगना पड़ेगा, भगवान सब देख रहा है। और फिर गलत काम करने के पश्चात वह अनेक प्रकार से पूजा पाठ हवन तर्पण नाम जप करने लग जाता है। ठीक है, मन की पवित्रता के लिए, मन की शांति के लिए, सात्विकता के लिए पूजा पाठ हवन तर्पण करें, अच्छा है, करना चाहिए। जो आदमी जहाँ है, जैसी उसकी मान्यता है, जैसा संस्कार है, जैसी रुचि है, जिस परंपरा का मानने वाला है, अपने परंपरा के अनुसार रोज समय निकाल करके कुछ पूजा पाठ नाम जप हवन तर्पण करें, इससे मन में कोमलता आएगी। लेकिन ये सोचेंगे कि इससे पाप कट जाएगा तो अपने को धोखा दे रहे हैं। पाप से बचने का रास्ता क्या है? पाप कर्मों को छोड़ देना, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भूल हो गई हो गई, कितना भी पाप हमसे हुआ हो, कितना भी भयंकर, कितनी भयंकर गलती हमने कर ली हो, लेकिन आज हमें अपने अपनी गलती का, अपने पाप का एहसास होता है और उसके लिए तीव्र ग्लानि हो गई, तीव्र वितृष्णा, निर्वेद हो गया उससे, रास्ता हमने बदल दिया और पूरा का पूरा जीवन धर्म में हमने बना लिया, त्याग तप संयुक्त बना लिया, तो इसी जीवन में हम परम कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं, परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं, उसे आप कह सकते हैं भगवत दर्शन कर सकते हैं, इस वक्त साक्षात्कार कर सकते हैं, कल मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं।
हर आदमी के अंदर पूरी की पूरी क्षमता है, शक्ति वही है। गलत दिशा में लग रही थी, अपना नुकसान कर रहे थे, दूसरे का नुकसान कर रहे थे, दिशा बदल दिए, अपना कल्याण दूसरे का कल्याण। कोई कैसा भी गलत आदमी हो, किसी को हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। कमर कस करके वह तैयार हो जाए सही रास्ते में चलने को, तो पूरा का पूरा जीवन बदल सकता है। उदाहरण प्रत्यक्ष है, सब जानते हैं, मैं याद दिलाता हूँ। रत्नाकर का नाम कौन नहीं जानता? रत्नाकर डाकू थे, जंगल में रहते थे, राहगीरों को लूटते थे और मार डालते थे, यही पेशा था। और इसी पेशे से परिवार का पालन पोषण करता था। संयोग से सप्तर्षि मिले, कहीं कहता है सप्तर्षि मिले, कहीं कहता है कि देवर्षि नारद मिले, जो भी हो, सप्तर्षि मिल गए। उनकी संगत से, उनकी वाणियों के प्रभाव से रत्नाकर की दृष्टि बदल गई और रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि हो गए। एक डाकू महर्षि वाल्मीकि हो सकता है? अंगुलीमाल महाहत्यारा, कहा जाता है कि 999 लोगों को उन्होंने हत्या कर डाली थी। और अंगुलीमाल के आतंक से उस राज्य का राजा प्रसेनजीत भी कांपता था। अनेक बार अभियान चलाया उन्होंने अंगुलीमाल को पकड़ने के लिए, सफलता नहीं मिली। लेकिन अंगुलीमाल का सौभाग्य उदित हुआ, तथागत बुद्ध मिल गए और बुद्ध की संगत से अंगुलीमाल जैसा हत्यारा महाभिक्षु बन गया। रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि बन सकता है, हत्यारा अंगुलीमाल बहुत बड़ा भिक्षु बन सकता है। तो हम और आप अपने जीवन को बदल क्यों नहीं सकते? यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें से किसी का जीवन रत्नाकर और अंगुलीमाल जैसा तो नहीं है ना? हम सब बहुत अच्छे हैं उन लोगों से, तो हम अपने जीवन को क्यों नहीं बदल सकते हैं? दृष्टि चाहिए बदल, संकल्प चाहिए, निश्चयता चाहिए। गलती हो जाती है आदमी से, गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है उस गलती को समझना और स्वीकार कर लेना। जब तक आदमी अपनी गलती को सुधारे, गलती को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक उसका सुधार कभी संभव नहीं है। कल्याण का रास्ता क्या है, सुधार का रास्ता क्या है? अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, और अपनी गलती को स्वीकार कर लेना सुधरने की शुरुआत, यही धर्म है। गलती को लिए रहना अधर्म है, गलती को स्वीकार करके छोड़ देना धर्म है। और इस धर्म पर हर आदमी बड़ी आसानी से चल सकता है। शुरू की थी मैंने अपनी बात कि यदि हम किसी महापुरुष के निकट तो रहते हैं, उनका गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, भक्ति करते हैं, उनकी बड़ी महिमा गाते हैं, हमारे गुरु ऐसे, हमारे गुरु ऐसे, हमारे महापुरुष ऐसे, हमारा भगवान वैसा, और महिमा गाते गाते घंटा भर का समय हम बिता देते हैं, लेकिन हमारे गुरु का, हमारे महापुरुष का, हमारे भगवान का एक भी आदर्श हमारे जीवन में नहीं आया, उनकी एक भी शिक्षा हमने जीवन में पालन नहीं किया, तो उनके निकट रह कर भी हम उनसे बहुत दूर हैं, हमने उन्हें समझा ही नहीं है। और यदि हम अपने गुरु, अपने महापुरुष, पूर्व में हुए जो महापुरुष हैं, उनके आदर्शों को, उनकी शिक्षाओं को, उनके ज्ञान को ग्रहण करते हैं, आचरण करते हैं, तो हम उनके निकट हैं। और ऐसा करके ही हम
अपने महापुरुषों के सच्चे अनुगामी बन सकते हैं, शिष्य बन सकते हैं, और यही करना ही उन महापुरुषों की भक्ति है। उन महापुरुषों ने विनय वंदना करके जीवन में महानता नहीं पाई है। राम पूजा करके महान नहीं बने हैं, कृष्ण पूजा करके महान नहीं बने, बुद्ध महावीर पूजा करके महान नहीं बने, तुलसी कबीर दयानंद पूजा करके महान नहीं बने, किंतु जीवन को तपा करके महान बने। त्याग त्याग संयम सदाचार के पथ पर चल करके महान बने। यदि हम उनके बताए पथ पर चलते हैं तो अपने जीवन को तपाते हैं सत्य के पथ पर, आत्मकल्याण के पथ पर, त्याग साधना के पथ पर, तो हमारे और आपके जीवन में महानता आ सकती है। और जिस परमानंद परम शांति परम तत्व की तलाश में हम भटक रहे हैं उनका अनुभव हम इसी जीवन में कर सकते हैं। आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।